पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने आज मोहाली जिले के माजरी ब्लॉक के गांव फतेहगढ़ की 176 एकड़ पंचायती जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। इस जमीन का बाजार मूल्य है 264 करोड़ रुपए है। इस जमीन में 9 लोगों का कब्जा था। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने सरकारी पंचायत की जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है वे अब भी 31 मई तक खुद जमीन से अपना कब्जा खाली करा सकते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री भगवंत मान ने पहले ही कह चुके हैं कि राज्य सरकार जमीनों के अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और नियमों की धज्जियां उड़ाकर महंगी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। द्वितीय चरण में अब तक 761 एकड़ सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 10 जून तक 6000 एकड़ जमीन खाली करने का लक्ष्य है। धालीवाल ने कहा कि पिछले साल भी हमने 9030 एकड़ जमीन को अतिक्रमण से भी मुक्त कराया था जिसका औसत बाजार मूल्य करीब 2709 करोड़ रुपए है। उन्होंने लोगों से आगे आने और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा छोड़ने की अपील की है ताकि इस जमीन से एकत्रित राजस्व का उपयोग पंजाब के कल्याण के लिए किया जा सके। उन्होंने कहा है कि यह जमीन किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है बल्कि यह पूरे पंजाब की सांझी जमीन है और इस जमीन से होने वाली आय को राज्य के सभी निवासियों पर खर्च करना है। धालीवाल ने कहा है कि पिछले साल भी मुख्यमंत्री भगवंत मान की अपील पर 3396 एकड़ जमीन खुद लोगों ने दे दी थी।